समाजवादी पार्टी का ये जो प्रेम है ये अपना दल पर नया नया उमड़ रहा है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल का निर्माण किया, लेकिन उनके जीवन काल में कभी भी समाजवादी पार्टी का प्रेम अपना दल पर उमड़ कर नहीं आया। समाजवादी पार्टी ने न कभी गठबंधन किया, न हमारे सिंबल पे किसी को लड़ने दिया और न ही डॉक्टर साहब की यादों को सहेजने का कोई काम किया। अपना दल के कार्यकर्ता और डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सिपाही इसको बहुत भली भांति समझते हैं और इससे हमारे कार्यकर्ता पर कोई असर पड़ने नहीं जा रहा। कि आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार सरकार रही, आपको अगर पिछड़े दलित आदिवासी की इतनी चिंता है तो आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? देखिए, मेरी जानकारी में भी आया है कि आज एक और कार्यक्रम हो रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी की भागीदारी है। मैं ज़रूर इस विषय पर कहना चाहूँगी कि समाजवादी पार्टी का ये जो प्रेम है ये अपना दल पर नया नया उमड़ रहा है। अपना दल के गठन के आज कई वर्ष हो गए। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल का निर्माण किया, लेकिन उनके जीवन काल में कभी भी समाजवादी पार्टी का प्रेम अपना दल पर उमड़ कर नहीं आया। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जीवन काल में कभी भी समाजवादी पार्टी ने अपना दल से गठबंधन नहीं किया। यहाँ तक कि 2002 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जीवन काल में जब हमारी पार्टी के 3 विधायक जीते थे, उस वक्त इसी समाजवादी पार्टी ने हमारे 3 विधायकों को तोड़ने का काम किया था। हमारे अपना दल के सिंबल पर इन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की बेटी को चुनाव भी नहीं लड़ने दिया। इन्होंने उन्हें समाजवादी पार्टी के साइकिल के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ाने का काम किया है। आज ये अपना दल के प्रति जो नया नया प्रेम उमड़ कर आ रहा है ये हम सभी को बड़ा आश्चर्यचकित करता है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की राजनीतिक यात्रा की यादों को सहेजने के लिए, समाज के वंचित तबकों के प्रति उन्होंने जो संघर्ष किया, उनके योगदान को याद करने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने कभी भी कोई कदम नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल का गठबंधन 2007 में हुआ, जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जीवित थे, और तब भी एक एक प्रत्याशी जो अपना दल का था वो अपना दल के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा। 2014 से निरंतर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा जो गठबंधन है वो बना हुआ है। NDA का हम एक महत्वपूर्ण घटक है और हमारे सभी जो MLAs हैं, MP हैं, सब अपना दल के सिंबल पे हैं। समाजवादी पार्टी ने न कभी गठबंधन किया, न हमारे सिंबल पे किसी को लड़ने दिया और ना ही डॉक्टर साहब की यादों को सहेजने का कोई काम किया है। इसलिए ये नया नया प्यार जो उमड़ रहा है ये हमारी समझ से परे है और अपना दल का जो समर्पित सिपाही है, जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा का अनुयायी है, वो पूरी तरीके से इस कुचक्र को समझ भी रहा है। और PDA की बात ये बार बार कर रहे हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़े दलित आदिवासी की इन्हें इतनी चिंता है तो मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, 2004 से 2009 के बीच में जब UPA की सरकार थी उसको ये समर्थन दे रहे थे, उस वक्त इन्होंने नीट में OBC आरक्षण लागू करने का विषय क्यों नहीं उठाया अगर इन्हें पिछड़ों की और दलितों की इतनी चिंता थी? इनसे अपना दल ये भी सवाल पूछना चाहता है कि आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार सरकार रही, आपको अगर पिछड़े दलित आदिवासी की इतनी चिंता है तो आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? आज आप जब विपक्ष में आए हैं तब आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, आप PDA की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तब आपको PDA याद नहीं आता है। आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि वैसे तो उसकी संभावना नहीं है, लेकिन कभी अगर आपकी सरकार बनती है तो आपका ये जो PDA है इसमें किसी और वंचित जाति को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा क्या? ये अपना दल का सवाल है, समाजवादी पार्टी से वो इसका जवाब दे। अपना दल ने विपक्ष में रहा हो, सत्ता से बाहर रहा हो, सत्ता में रहा हो, निरंतर हमने सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद की है। सामाजिक न्याय का हर मसला हमने राज्य की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक उठाया है। जातीय जनगणना का मसला सत्ता में रहते हुए हमने उठाया है।
अपना दल के गठन से लेकर आज तक निरंतर हम इसे विषय को उठाते आ रहे हैं। और जो मैंने आपको उदाहरण दिया, मेडिकल की नीट की परीक्षा हुई, उसमें ओबीसी आरक्षण का विषय बहुत लंबा था और बहुत लंबे समय से संघर्ष हो रहा था, लेकिन इस विषय को भी समाजवादी पार्टी ने कभी भी नहीं उठाया। इस विषय को मैंने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने उठाया और मोदी जी की सरकार ने इस पर कार्रवाई की, इसका निस्तारण भी किया। और यहाँ तक कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की यादों को संजोने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, जहाँ हमारी पार्टी का इतिहास है, हमारी पार्टी का सबसे पहला विधायक प्रतापगढ़ से जीता था, वहाँ पर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना, जब मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी तब उस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई, वो मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम पे समर्पित करने का काम देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इतना ही नहीं, जो हमारी फूलपुर सुणाव की सड़क है, उसका नामकरण योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम पर किया। तो ये पीडीए के नाम पे जो दिखावा हो रहा है, अपना दल के प्रति जो प्रेम का दिखावा हो रहा है, अपना दल के कार्यकर्ता और डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सिपाही इसको बहुत भली भांति समझते हैं और इससे हमारे कार्यकर्ता पर कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ।